गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा पोर्टल जिसमें सारे स्कीम्स आपके सामने हैं। आप कौन सा स्कीम में आप अवेलेबल हैं, कौन सा स्कीम के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पर आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में जो गवर्नमेंट का पोर्टल लॉन्च हुआ है myschemes.gov.in, इस पोर्टल में आप कौन सा स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट का ये जो स्कीम वाला पोर्टल लॉन्च हुआ है, इस सारी स्कीम का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, आपका कंसर्न स्कीम कौन सा है, आप किस स्कीम में फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे जानेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको आना होगा एक लिंक पर। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पर आ जाएंगे। कौन सा स्कीम आपके लिए बना हुआ है और कैसे उठाएंगे फ़ायदा, उसके लिए फाइंड स्कीम्स फॉर यू पर क्लिक करेंगे। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फिर फीमेल। इसके बाद अपना एज डालना है कि आपका एज कितना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको अपना स्टेट यहां से सेलेक्ट करना है कि आपका स्टेट कौन सा है और आप रूरल साइड में रहते हैं या फिर अर्बन में, यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका कास्ट क्या है, OBC, ST, SC, PVTG अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे या फिर जनरल भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आप हैंडीकैप्ड हैं, क्या आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर वो प्रॉब्लम है तो यहाँ पर यस करेंगे। और आपके पास हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है तो कितना परसेंटेज आप यहाँ पर डिजेबिलिटी हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। और नीचे अगर आप माइनॉरिटी हैं, हिंदू को छोड़ के कोई अदर धर्म से हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो। इसके बाद नेक्स्ट क्या आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। अगर आप नहीं हैं स्टूडेंट तो आप क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ऑन एम्प्लॉयड हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयड मतलब कि क्या आप सैलरी पर्सन हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है। अगर आपको सैलरी मिलता है तो क्या वो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से आता है या फिर प्राइवेट में, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अभी आपको अपना ऑक्यूपेशन डालना है कि आप क्या काम करते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपका कैटेगरी क्या है, BPL कैटेगरी है क्या, BPL कार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो। तो अगर आपके पास BPL कार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो। और आपका एनुअल इनकम फैमिली का कितना है, आपको यहाँ पर सबको मिला के डालना है। इसके बाद नेक्स्ट अभी आपको बता देगा कि कौन सा स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे है, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग शेल्टर है, एग्रीकल्चर रूरल एनवायरनमेंट है, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, यूटिलिटी एंड सैनिटेशन है, हेल्थ एंड वेलनेस है, बैंकिंग फाइनेंस है, सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट है। तो जो भी आपको मतलब कि जो स्कीम में आपको फ़ायदा उठाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंस सर्विस में उठाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद सबमिट, तो मेरे पास आ जाएगा कि मेरे को मुद्रा योजना चाहिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अप्लाई करना है या फिर सुरक्षा में, अटल पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। तो अपने हिसाब से जो भी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए उसके हेडिंग में आपको क्लिक करना है। इसके बाद उस स्कीम के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या है, यहाँ पर सारा कुछ है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आएंगे सभी स्कीम वालों के लिए, आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेगा, उसको आपको फुलफिल करना चाहिए। आप जो स्कीम सेलेक्ट करेंगे उसके यूनिट कॉस्ट क्या है, क्वांटम ऑफ असिस्टेंस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं लोन किया हूँ तो मेरे को कितना रुपया लगेगा, ये है। इसके बाद बेनिफिट्स में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद एलिजिबिलिटी में बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए है। एप्लीकेशन प्रोसेस में यहाँ पर है ऑफलाइन, मतलब कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। ऑफलाइन में फॉर्म आपको मिलेगा, फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा यहाँ पर बताया जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स आपको हर स्कीम में मिलेगा, ये नहीं कि मैं जो स्कीम को सेलेक्ट किया, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैक करता हूँ, क्या वो स्कीम दोबारा में आता है, जी हाँ आ गया है। तो मेरे को बिजनेस करना है तो मैं यहाँ पर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर क्लिक करूँगा। इसके बाद सबमिट, तो आ जाएगा काफ़ी सारा स्कीम। तो जो भी स्कीम का मेरे को फ़ायदा उठाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम पर क्लिक करूँगा
और यहाँ के डिटेल्स, बेनिफिट्स आ जाएगा, एलिजिबिलिटी आ जाएगा, एक्सक्लूशन आ जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस है ये, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑनलाइन है, पहले वाला ऑफलाइन था। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है द डिजॉल्व एप्लीकेंट मस्ट विजिट द फॉलोइंग लिंक टू अप्लाई फॉर द स्कीम। यहाँ पर आपको दो लिंक मिलेगा, तो पहला वाला लिंक तो आपका एप्लीकेंट का है और सेकेंड वाला जो है आपका स्टेटस को चेक करने के लिए है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है, गाइडलाइन दिया गया है, आपका आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, फाइनल क्वालिफिकेशन, आप कितना पढ़ाई किए हैं, एप्लीकेंट्स बैंक अकाउंट डिटेल्स, एप्लीकेंट फ़ोटो, इन एड्रेस फॉलोइंग स्पेशल करेक्टर आर अलाउड। मतलब कि अगर आप एड्रेस में अगर आप कॉमा, स्लैश, हाइपेन ऐसा कुछ डालेंगे तो चल सकता है, लेकिन बाकी अदर फील्ड में नहीं डाल सकते। इसके बाद ओके, अभी आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। फॉर्म को किस तरीके से फिल करेंगे, कौन से कॉलम में क्या डालेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, सभी को पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही फिल करेंगे तो आपको, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है अप्लाई ऑनलाइन, तो ये ऑलरेडी क्लिक है, मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट वाला लिंक दिया गया है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप अप्लाई फॉर ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये वेबसाइट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर फिर से क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से क्लिक करके नीचे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा, आपका आईडी देके यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फॉर ट्रेनिंग करना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आके एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर क्लिक करके आके अपना आईडी देके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या है और कैटेगरी में देखते हैं कि कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सबमिट। तो देखिए जहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर तीन जगह, जैसे कि मैं क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया, तो तीनों का जितना भी स्कीम है सब दिखा रहा है, 13, 11 और 5 सब मिला के वहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सबमिट। तो सिर्फ सोशल वेलफेयर का ही आएगा, सबमिट करेंगे तो जो भी यहाँ पर आएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड आपको बताया था, जैसे कि कोई भी स्कीम का फ़ायदा उठाना हो तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। देख सकते हैं जो भी स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि ये NFBS है, आपके घर में किसी का, मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली का डेथ हो गया है, तो आपको यहाँ पर 20,000 का बेनिफिट मिलता है। आपको हर एलिजिबिलिटी और बेनिफिट को चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा स्कीम किस के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि हर जो डिजर्व पर्सन है उनको फ़ायदा मिल सकता है। ये ऑफलाइन है, आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और अपने ब्लॉक ऑफिस में जमा करना है। आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और भी काफ़ी सारे स्कीम हैं जो कि आप यहां से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिटेल्स में जानना है और उसके बारे में फ़ायदा उठाना है, घर के लिए आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाएगा, ग्रामीण के लिए है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रूरल पे, नहीं तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। डिटेल्स आ जाएगा कि आपको कितना रुपया मिलेगा, कि आपको कितना कितना कब मिलेगा, कौन सा स्टेट के लिए है, लेबर आप किस तरीके से लगाएंगे, बेनिफिट्स आपके बताया जाएगा, एलिजिबिलिटी आपके सामने यहाँ पर है, जो यहाँ पर एलिजिबल होगा उनका एज कितना होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या लगेगा, यहाँ पर सब कुछ बताया जा रहा है। मतलब कि आपको यहाँ पर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब कि पढ़ना आता है, जैसे कि यहाँ पर आपको इंग्लिश भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इसे हिंदी में चाहिए तब भी आप यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, हिंदी, ये हिंदी आ जाएगा, आपको हिंदी में भी आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। आप आराम से पढ़ सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन लोग किस किस स्कीम में अवेलेबल है, अपने हिसाब से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आपको माई स्कीम पोर्टल का फ़ायदा उठाना है तो आप उठा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।